कैसे हो भाई लोगों? बात अगर गाड़ियों की हो तो मारुति इसमें बादशाह है। भारत में लगभग 42% लोग मारुति लेते हैं, 18% ह्युंडई को ले लेते हैं और 9% टाटा को लेना प्रेफर करते हैं, और बचे बाकी ब्रांड्स तो उनको भी कुछ कुछ लोग ले ही लेते हैं। आजकल गाड़ियों के ढेरों ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो खो सी गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन गाड़ियों की जो बहुत अच्छी ऑप्शंस है, लेकिन इनकी किस्मत के शायद लगे पड़े हैं। यह है स्कोडा रैपिड, सेडान सेगमेंट की सबसे बदनसीब गाड़ी। इसके मुकाबले में सियाज, वरना और होंडा सिटी जैसी गाड़ियां हैं। रैपिड अपने कंपटीटर से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। इसमें झोला भर के फीचर्स, फाड़ू इंजन और फौलादी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन फिर भी कोई इस पे नज़र नहीं डालता। हालांकि जो जोशीले ड्राइवर्स है उनको ही पता है कि रैपिड क्या जबरा माल है। स्कोडा रैपिड की सबसे बड़ी कमी है इसकी महंगी मेंटेनेंस कॉस्ट और जेब ढीली करने वाली कीमतें। असल में इसकी कॉस्ट सियाज के आसपास ही होनी चाहिए थी, लेकिन कीमत रखी है वरना और सिटी के टक्कर की। अगली कार है मारुति की एस क्रॉस। रियलिटी की बात करें तो मारुति की सभी कारों में से ये सबसे धांसू और मजबूत कार है, लेकिन फिर भी इसकी सेल्स सबसे कम है, क्योंकि खुद इसकी बहन मारुति ब्रेजा ही इसकी सौतन बनी पड़ी है। अब अगर कोई मारुति की कार लेने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिल्ड क्वालिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं, तो बस इसी वजह से एस क्रॉस की जगह गलती से एस्प्रेसो ले आते हैं। एस क्रॉस का बेनिफिट ये है कि यह सब कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट एसयूवी के बीच की कड़ी है। परफॉर्मेंस इसमें ब्रेजा वाला ही है, लेकिन स्पेस और कम्फर्ट उससे बड़ी कार का। इसका कम बिकने का कारण इसके प्राइस और कुछ हद तक लुक्स भी है। फैक्ट्स के हिसाब से अधिकतर लोग मारुति की महंगी गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करते, और अगर कोई 10-11 लाख रुपए फूक रहा है तो वो एसयूवी जैसे दिखने वाली मस्कुलर कार ही पसंद करेगा। इसलिए मारुति की ब्रेजा कम कीमत में अपनी खर्चीली बहन एस क्रॉस को परे कर देती है। नेक्स्ट कार है ये बड़े शरीर वाली महिंद्रा एल्टुरस G4। इस फुल साइज एसयूवी की एकदम लुल लाइफ हो गई है। फॉर्च्यूनर, एंडोवर और ग्लॉस्टर जैसे बिजारों से इसका मुकाबला था, लेकिन अब लगता है कि ये भी साइड में पड़े बैल जैसी हो गई है, कोई पूछने वाला ही नहीं। पर क्या इसके साथ ऐसा होना चाहिए था? क्या कमी है इसमें जो बाकियों से पीछे रह गई? साइज इसका फॉर्च्यूनर और एंडोवर से बड़ा है, जिस वजह से स्पेस बेहतर मिलेगा। 2.2 लीटर का अच्छा खासा ताकतवर इंजन भी है। चट्टाने टापने के लिए 4x4 सिस्टम भी है। फीचर्स का भंडार है, और तो और मर्सिडीज वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इतना कुछ होने के बाद भी कीमत इसकी सबसे कम, फिर भी देखो क्या हाल कर रखा है। भाई लोगों, मेक इन इंडिया की कुछ लाज तो रख लो, धड़ल्ले से खरीदे जा रहे हो, चीनी और जापानी। सब कॉम्पैक्ट सेडान में शुरुआत से ही मारुति डिजायर का राज कायम है। इस सेगमेंट में ह्युंडई ऑरा, होंडा अमेज और फोर्ड एस्पायर जैसी धाकड़ कंपटीटर्स मौजूद है, लेकिन कोई भी मारुति डिजायर का घंटा कुछ नहीं पाड़ पाया, और फोर्ड की एस्पायर तो इस सेगमेंट की सबसे अंडररेटेड कार बन गई। प्रैक्टिकलिटी में ये इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार है। एस्पायर में सिर्फ पेट्रोल इंजन है, लेकिन अपने कंपटीशन में सबसे पावरफुल। सभी मस्ट है फीचर्स भी मिलेंगे, स्पेस है, राइड क्वालिटी भी मस्त है, और लोहे जैसी बिल्ड क्वालिटी का भी तड़का है। बट फिर भी हम लोगों को ये पसंद है, क्योंकि कितना देती है इस बात की ठरक बहुतों को बहका ही देती है। खैर छोड़ो, अब इतनी बेहतर कार का इतना खस्ता हाल क्यों? इसका कोई ठोस रीज़न हमारे पास नहीं है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन अंडररेटेड कारों की लिस्ट में अगर हम XUV300 को डाल दें तो हैरान मत होना। कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो अच्छा खासा बिकती है, तो आप सही हो, क्योंकि ये नीचे से अच्छा बिक रही है। जहां टाटा नेक्सॉन लगातार पिछले 2 महीने से अपने सेगमेंट में नंबर 2 की हॉट सेलिंग कार बनी हुई है, तो वहीं XUV300 ने लगातार पिछले 4 महीनों से नंबर 9 की पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। बीट भी किसको किया है? होंडा WRV को, जिसका होना ना होना एक ही बात है। यार, XUV300 सही में बहुत कातिल गाड़ी है। सिर्फ पिछवाड़े में जगह ही तो कम है, बाकी सब तो मस्त बाहर है। परफॉर्मेंस इसकी देख लो, कोई आसपास भी नहीं फटक सकता। रॉकेट है रॉकेट। फीचर्स ऐसे कि ह्युंडई भी शर्मा जाए। बावजूद इसके ये कार लोगों की पसंद नहीं बन पा रही। इवन कल के आए हुए मैग्नाइट और काइगर जैसे नए नए लॉन्डे भी XUV300 से आगे निकल गए। यार गजब बेइज्जती है। XUV300 की खूबियों के हिसाब से तो ये टॉप पे होनी चाहिए थी। तो भाई लोगों, हमें लगता है कि ये सभी कार्स बहुत गजब की है, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादती हो रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा अगर और कोई कार आपको अंडररेटेड लगती है या जिसके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उसका नाम भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।